तो है गाइस, और एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि अभी रेडी हो चुके हैं वर पूजा करने वाले। तो दोस्तों, आप लोग को सबसे पहले वर पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो देखेगा तभी तो मज़ा आएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखेगा। तो फाइनली हम चलते हैं वट वृक्ष की ओर। क्या दोस्तों, क्योंकि हमारे घर से करीब करीब 300-400 मीटर की दूरी में वट वृक्ष है, वहीं पे पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, फाइनली हम अभी देखे जा रहे हैं। क्या होता है पचन? हाय, चलिए। कुछ भी बोलेगा चलेगा। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि फाइनली हम वट वृक्ष के पास पहुंच चुके हैं। और देखिए, जितने भी वट पूजा करने वाले कन्या सब हैं वो देखिए आ गए हैं, और कुछ बाकी हैं। फाइनली हम जिस वट वृक्ष के पास पूजा करने वाले थे वट वृक्ष पास आ चुके हैं। और ये जितने देख रहे हैं ये भाभी लोग हैं, भाभी सब पूजा करने के लिए आए।
दोस्तों अभी देखिए गले मिल रहे हैं और वट वृक्ष को पंखा से हवा भी लगा रहे हैं। देखिए दोस्तों अभी सब कोई उसमें लाल धागा बांध के जितने भी विवाहित महिला हैं सभी कोई वट वृक्ष के चक्कर लगाएंगे, ऐसा नियम में कहा गया है और सभी कोई इसी तरह करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखिए दोस्तों अभी अपना अपना धागा सभी बांध रहे हैं, उसके बाद वट वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। तो दोस्तों देखिए अभी वट वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हैं। दोस्तों वर पूजा अब हो चुका है, अब जस्ट सभी को प्रसाद देंगे, उसके बाद यहाँ से घर की ओर रवाना होंगे। और आप देख सकते हैं कि वर पूजा करने वाले मतलब कि उधर में है और देखने वालों की जनसंख्या देखिए कितना है। और देखिए अभी प्रसाद बांटते हैं और जिनका प्रसाद बांटा हुआ हो गया है वो फाइनली अपना घर की तरफ जा रहे हैं। और इधर देखिए अभी प्रसाद बांट रहे हैं।
दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लग गया तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोकिएगा। अभी देखिए हमको प्रसाद देने के लिए आए हैं, तो फाइनली हम प्रसाद भी ले रहे हैं। तो मिलते हैं और नए वीडियो में। चलो ठीक है।